इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स, और इसमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इन द कंट्री। एक चीज अगर पाकिस्तान में बड़ी है दोस्तों, तो वो बड़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बड़ी जा रही है, गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा इंसान कौन है, गधा कौन है। डू यू थिंक दिस विल सेंड अ नेगेटिव मैसेज टू द फाइनेंशियल मार्केट्स कि शायद पाकिस्तान अब पैनिक बटन दबा दिया है? हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की भाई, हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए, हमारे पास कैश नहीं है तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहां से करेंगे? आप हैरान होंगे कि इस वक्त आधी से ज्यादा पाकिस्तान की जो है वो गुर्बत की दहलीज से नीचे चली गई है, दो वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है उनको। एक तरफ हुकूमत चाहती है कि आबादी कंट्रोल हो, और एक तरफ वो बच्चा पैदा करने पे इनाम दे रही है। पिछले दो सालों से तो हम यही देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इतनी कम हो चुकी है हमारे मुल्क में, कोई भी सरमायाकार यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। शाजिया मरी साहब ने कहा जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अगर बेटा पैदा होता है तो 2000 रुपया, बेटी पैदा होती है तो 2500 रुपया, 2500 रुपया आपको इनाम मिलेगा। लेकिन इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया है कि हम नेटो प्लस का दर्जा नहीं देंगे, उन्होंने इनकार कर दिया। ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है, उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। तो नेटो प्लस बनने के बाद क्या होता कि आर्टिकल 5 नेटो का, आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी एक मुल्क पे हमला हो तो तमाम मुल्कों पे तसव्वुर होगा। तो इसका मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ेगी तो 31 मुल्क आ जाएंगे पाकिस्तान से लड़ने के लिए, अमेरिका समेत। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि भारत का UPI पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। अब भारत सरकार भी अपना स्वदेशी UPI पेमेंट सिस्टम को पूरी दुनिया में एक्सपैंड करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, इसी बीच एक और स्टैटिस्टिक्स हम सब के सामने आई है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देशों के डिजिटल पेमेंट्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है, और इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि भारत एक साल में 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस कर चुका है। अगर आप हमारे कंपटीटर के बारे में बात करें तो कोई भी भारत के आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा है। जहां डिजिटल पेमेंट के मामले में ब्राजील दूसरे नंबर पर आया है, वहीं चाइना सिर्फ 17 मिलियन ट्रांजैक्शन एक साल में कर पाया है, और भारत के कुल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इतने ज्यादा है कि टॉप 4 देशों के ट्रांजैक्शंस को मिला करके भी भारत के कुल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में, इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स, और इसमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर, जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं। अब इसको आप, मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं, हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील, और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए हैं। अब देखिए, आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना, और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड, और उसकी हैं 16.5 मिलियन और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है, सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की
टोटल मिलाकर एक मुल्क ही बन रही है। तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, डिजिटल पाकिस्तान के नाम से मैंने एक रिपोर्ट उस वक्त लिखी थी जब मैं काम कर रही थी DW जर्मनी में, और वहाँ पर उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और वो उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी की और जो इस तरह की डिजिटल पेमेंट्स है इस पर बात की थी। तो हमने देखा कि कई ऐसी स्कीम्स शुरू की गई हैं, तो उस वक्त फिर एक रिपोर्ट बनाई मैंने और मैंने कहा कि भाई क्या है। तो लेकिन हमने ये देखा कि ऐसा जब कुछ स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत जल्दी आगे चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हमें ऐसा नज़र आया, कोई इसमें ऐसा जितनी जो है वो हमें कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं है। अब हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की, भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे। हमारे तो मुल्क का ये मसला है ना, इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात और वाकयात हैं हमारे पास, हमें तो एक एक अरब डॉलर उसके लिए हम मांग रहे हैं कि भाई दे दो, क्या कुछ किया वो नहीं दे रहे, और हमें जो हमारे दोस्त हमसाए ममालिक हैं वहाँ से हमें पैसा वगैरह लेना पड़ रहा है। और फिर एक और बात ये कि यहाँ पे आप तो टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं, इंटरनेट के हद तक कितनी एक्सेस है, कितने लोगों तक है, जो स्मार्टफोन्स हैं वो कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने लोगों के पास है, और फिर स्मार्टफोन्स ख़रीदने की किस में कितनी सकत है, कितने लोग हैं कि जो ख़रीद सकते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी इकोनॉमी की ये सिचुएशन हो, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही एक लो लेवल पर हो, तो उस वक्त आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि लोग खाने पीने की चीज़ों के बजाय वो स्मार्टफोन ख़रीदेंगे, नहीं ख़रीदेंगे ना। बेशुमार लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके सामने जब आप ये बात करेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल पेमेंट्स, तो उनको इसका पता ही नहीं होगा। वैसे तो ऐसा नहीं है, इंडिया में भी ऐसे बेतहाशा लोग होंगे, यानी गांव में, वैसे तो वहाँ पे गांव विलेजेस इस तरह के एरियाज़ जो है वहाँ पर भी बहुत अब ऐसा कहते हैं, वहाँ पे लोग कहते हैं कि जी ये जो फेरी वाला ये बेचने आता है गलियों में, इसके पास भी ये डिजिटल पेमेंट्स ही होती हैं, तरीक़ेकार होता है। यहाँ पर तो अब मजाक किया जाता है ना इस बात को कि ऐसा कुछ हो जाए तो इसको जोक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये जो बंदा बाहर बेचने वाला, इसको भी पता है इस चीज़ का, वो कह रहा है कि मुझे मेरे फ़ोन में भेज दो पैसे, लेकिन असल में ये रियलिटी है दुनिया की, ये हो रहा है हर जगह, हमारे मुल्क में हम इसको मजाक के तौर पर ले रहे हैं। और इसके बारे में ये भी बताया गया है, दी डेटा फर्दर रिवील्स दैट इंडिया अकाउंटेड फॉर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स, हाईलाइटिंग दी कंट्रीज डोमिनेंस इन दी डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप, सरपासिंग दी कंबाइंड डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ दी अदर फोर लीडिंग कंट्री। और फिर ये जो लिखा, बिल्कुल सही लिखा है किसी ने कि इंडिया मूविंग टूवर्ड्स ए कैशलेस इकोनॉमी, बहुत जल्दी वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे इसमें भी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पास बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो उनकी कमज़ोरी नहीं बनी है। कभी ऐसा होता था, कहा जाता था कि किसी मुल्क की जैसे चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में, इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे इतनी गुर्बत है, क्या करें बेचारे, इसकी वजह ये है कि इतनी आबादी भी तो है ना। लेकिन उन्होंने इसको उल्टा करके दिखाया, अपोजिट कर दिया, उन्होंने कहा हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को, अपनी यूथ को यूटिलाइज़ किया, और दोनों कंट्रीज़ देखें आज कहाँ पर हैं, इंडिया और चाइना। पाकिस्तान में 3 साल पहले 56 लाख गधे थे, 2 साल पहले 57 लाख गधे थे, और इस साल के आंकड़े देखो, पाकिस्तानी अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर गिनते हैं, ठीक है, 58 लाख गधे, यानी कि इजाफा 1 लाख का साल दर साल। आपने कभी सोचा है? सोचिए जरा, थोड़ा डीपली सोचिए, बड़ा सीरियस टॉपिक है, डोंट लाफ, हंसिए मत, डीपली सोचिए। पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में दोस्तों। वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बड़ी है दोस्तों, तो वो बड़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है, गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा इंसान कौन है, गधा कौन है।